बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन डोरा और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। तो दोस्तों, डेरा ब्यास की दीवार को गिराने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे जो डेरा ब्यास की दीवार को गिराना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्यास शहर के पास रेलवे स्टेशन के पास एक रोड डेरा ब्यास की तरफ जाता है और 400-500 मीटर एक गांव है जिसका नाम है बुड्ढा थे। वहां गांव की पंचायत की 80 एकड़ डेरा ब्यास की ज़मीन को लेकर विवाद छिड़ चुका है। यह विवाद को हवा बलदेव सिंह सिरसा ने दी है, जो कि पहले भी डेरा ब्यास के पास कुछ किसानों के साथ धरना भी दे चुका है। और मसला बड़ैच गांव का था और उस विवाद में भी बलदेव सिंह सिरसा के हाथ कुछ नहीं लगा और मुंह की खानी पड़ी थी। फिर से एक और मसले में आग को हवा देने का काम बलदेव सिंह सिरसा कर रहा है, जो कि डेरा ब्यास की ज़मीन को गांव वाले पहले ही डेरा ब्यास को कानून के दायरे में बेच चुके हैं और डेरा ब्यास उन्हें ज़्यादा कीमत देकर खरीदी थी। अब जब ज़मीन का भाव बढ़ने लगा है तो यह सब बुड्ढा थे गांव के लोग सिरसा की बातों में आकर वह ज़मीन वापस मांग रहे हैं। इस जगह पर पुलिस तैनात है और डेरा ब्यास के सत्संगी द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। प्रशासन द्वारा दीवार को गिराने की अभी तक लीगल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन डेरा ब्यास कोई भी कार्य कानून के दायरे से बाहर कोई भी काम नहीं करता है।